गुरु के चरणों में बैठने की योग्यता क्या है? सच्चे होकर जाइए, सीधे सच्चे, जैसे हैं वैसे के वैसे, जो के त्यों, वो आपको जो का त्यों स्वीकार करने को प्रस्तुत है। और मैं तो एक बात और भी कहूंगा, जो के त्यों जाओगे तभी स्वीकार किए जाओगे। जो के त्यों प्रभु के दरबार में जाओगे तभी स्वीकार किए जाओगे, अन्यथा अन्यथा प्रकृति जाने नहीं देगी, प्रभु के निकट नहीं जाने देगी। लाग लपेट की आवश्यकता तो संसार को है, संसार नहीं झेल सकता सत्य को। जीवन में आप देखो, व्यवहार में भी आप देखो, संबंधों में आप इसका अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी नहीं लगता है कोई आपको अच्छा, पर उसके साथ भी व्यवहार निभाना पड़ता है, उसके साथ व्यवहार निभाना पड़ता है। मन को नहीं सुहाता है फिर भी उसके साथ उठना बैठना पड़ता है, बोलना बतलाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, व्यवहार में सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे हैं वैसे के वैसे अगर संसार के सामने चले जाएंगे तो बड़ा झंझट है। संसार सत्य को झेल ही नहीं सकता, संसार सत्य को स्वीकार ही नहीं कर सकता। अरे यहां तो यह देखा जाता है, जो सच्ची बात कहता है उसी के पीछे अस्त्र शस्त्र लेकर भीड़ दौड़ पड़ती है। संत जीवन भर संसार में रहते हुए कितनी प्रतिकूलताएं झेलते हैं, क्योंकि संत सच्ची बात कहते हैं, सच संसार को चाहिए नहीं। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि संसार को सत्य नहीं चाहिए। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। ममता राम सो, यहां तो अच्छी बात तो यह है कि आवश्यकता से कम में निर्वाह करना सीख लीजिए। आप आवश्यकता से कम में निर्वाह करने का प्रयास करोगे ना, वो ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं। आप आवश्यकता से कम में निर्वाह करने का प्रयास करोगे, आपको व्यवहार भी आवश्यकता से कम करना पड़ेगा। स्वार्थी व्यवहार की तरफ धकेलता है, जैसे जैसे आपके जीवन से स्वार्थ कम होता चला जाएगा व्यवहार भी कम होता चला जाएगा, और जितना व्यवहार कम होता चला जाएगा उतना जीवन से प्रपंच कम होता चला जाएगा। व्यवहार में रहने वाले व्यक्ति को तो दिन रात प्रपंच करना पड़ता है, हाँ जी हाँ जी, आइए खाइए जाइए, उसको बेचारे को दिन भर यही करना पड़ता है। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं ना भाई, सच्चा आदमी तो व्यवहार कर नहीं सकता। कुल मिलाकर ये मिलना जुलना, उठना बैठना, ये सब हमारे लिए तो भाई झंझट है, हम तो नहीं कर सकते। कभी अपनी ओर में देखता हूं तो कभी लगता है भाई ये इतना हो रहा है, ये भी पता नहीं कब तक होगा, हम तो नहीं कर सकते। मैं तो कई बार ठाकुर जी के सन्मुख जाकर कह देता हूं, भाई अब मैं नाचो थके हो गोपाल। तो ये थोड़ा सा अनुभव मिला कि भाई व्यवहार में रहने वाले को प्रपंच करना पड़ता है, और वहां दूसरी ओर साधु की व्याख्या, साधु ही क्या दे रहे हैं, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। मन वचन कर्म से एक हो तो साधु है, मन में विचार कुछ और है, जिह्वा पर कुछ और हो, करे कुछ और, भक्ति कैसे होगी भाई? क्योंकि कैसी भक्ति प्रभु को रिझाती है? मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रहना। हमारा मन वचन कर्म एक हो, इसका हमको अभ्यास करना पड़ेगा ना। व्यवहार में दिन रात झूठ बोलना पड़े, असत्य भाषण करना पड़े, असत्य व्यवहार करना पड़े, तो मन वचन कर्म एक होगा कैसे, भक्ति होगी कैसे? तो अगर चाहते हो कि हमें कम से कम लिप्त होना पड़े प्रपंच में, चाहते हो अगर प्रपंच की निवृत्ति, फिर अपनी आवश्यकता घटाओ। आवश्यकता घटेगी, व्यवहार घटेगा, व्यवहार घटेगा, प्रपंच घटेगा, प्रपंच की निवृत्ति इसी प्रकार होती है। ध्रुवदास जी भजन कुंडलिया में कहते हैं ना,
कह रही इस प्रकार एक रेखा खींचकर फिर पग बाहर जिन दे, फिर उससे बाहर पैर मत निकालना, उसी के भीतर रहना। मैं तो कहता हूं भाई आ जाए थोड़ा दुख थोड़ा कष्ट सह लो, कोई बात नहीं। धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण है धृति ही, धैर्य। धैर्य धरकर सह लीजिए, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि आपकी रेखा के बाहर बड़ा सुख है, है नहीं। आपको लग रहा है उस रेखा के बाहर बड़ा सुख है, अगर गुरुजनों ने एक रेखा खींच कर दी है ना, तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो बंधन में पड़ गए हम, उस बंधन से छूट जाने में कोई सुख नहीं है, केवल सुख का भ्रम है। सुदीर्घ प्रभु का वियोग सहा, एक अवधि कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरण नहीं।